हेलो एवरीबॉडी, आज आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मीटिंग क्ले में हम श्री ब्रह्मदेव राव पंडित जी को इनवाइट किए हैं. ही इज वन ऑफ द अर्ली पॉटर्स. व्हेनेवर आई वाज लर्निंग सिंस देन आई हैव सीन हिम ग्रोइंग अप एंड इट वाज ऑलवेज ए इंस्पिरेशन. उनसे हमने बहुत ईर्षा या इंस्पिरेशन को अभी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं. सो वी हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क. And I was lucky to see him working since very early. And he is one of the most renowned potter ever we have seen. He has worked on both the ends, production as well as his personal work. Also, he has done a lot of public installation work. So now I will request him to share his journey with us. Pandit ji, abhi hum aapko handover karte hain. Aap ek ek slide aage karke. आपका जो पूरा जीवन परिचय है वो हमें साझा करिए. मेरा नाम है ब्रह्मदेव राम पंडित. मेरा जन्म भोरमबाग गांव में हुआ है. हाँ. एक कुम्हार परिवार के यहाँ हुआ है. वंडरफुल. यस. हमारे दादाजी बहुत पहले जब ये कुछ 8-9 साल के था तो हाँ. उनके साथ भी मैं कुछ दिया मलाई वो तेल लगाने के लिए बनाते थे. हाँ. और हमारे दादाजी वो अंग्रेज के टाइम में वो हाँ. कचहरी जो ऑफिस होता है हाँ. उनके लिए मटका वो पानी पीने के लिए और रोटी बनाने के लिए तवा और दाल बनाने के लिए हंडिया बनाते थे और हाँ. घड़े के रूप में चावल भी बनता था तो ये हाँ. पूरा करते थे. हाँ. तो वो कचहरी से वो पैसे नहीं देते थे, उनके बदले अनाज देता था. उससे पालन होता था हमारे हाँ. दादाजी का. हाँ, हाँ, हाँ. तभी पैसे का व्यवहार नहीं था, अनाज देते थे. और बड़ा थोड़ा हुआ तो हमारे पिताजी के साथ में उनको भी आता था काम करने को चाक का. हाँ. तो ज्यादा हमारे पिताजी गाढ़ा बनाते थे लेकिन हमारे ननघर में गरीबी था तो हाँ. छप्पर का वो कौला होता है. हाँ, हाँ. बनाते थे चाक पे बना के बीच में काटते थे उसको. काम किया. हाँ. जी हाँ. हाँ. और उसी दरमियान धीरे धीरे मैं खेती भी करता था. खेती में बहुत हम अनुभव है किसान जैसा. हाँ. छोटे में. हाँ. चावल की खेती होती थी. हाँ वहाँ सब आलू गेहूं चावल जो है ना जहाँ धनिया और लहसुन तक होता था घर में. ओहो, हो, ओके. सब होता था जी. फिर वही दरमियान एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आया. हाँ. और सन 1969 में बहुत बड़ा सूखा अकाल पड़ गया बिहार में. ओहो, हो, ओके. तो वो अकाल में क्या हो गया, श्री जय प्रकाश नारायण जी ने एक योजना बनाया आश्रम के थ्रू की लोगों को मतलब रोजगार भी मिले. हाँ. तो वही दरमियान एक ट्रेनिंग खुला. हाँ. ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर टेराकोटा पाइप बनाने का. कहाँ पर? वो सुखदोर आश्रम. ओके. हाँ. जी. हाँ. तो वो आश्रम में मैंने फिर ज्वाइन किया. उसमें हाँ. तीन लड़के थे. हाँ. उसमें से मैं वहाँ काम किया और अच्छे खुशी हुआ. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हाँ. खानापुर में जो आया ऑर्डर एक हाँ. कागज सर्कुलर आया उसमें फॉर्म भरा और हाँ. मेरा सिलेक्शन हुआ. फिर वहां से हमारा लाइफ शुरुआत हो जाता है. ओके ओके. हाँ. ये आप फिर वहां से 1969 में खानापुर चले गए. जी हाँ. फिर 70 में मैंने पूरा ट्रेनिंग के लिए चला गया. 69 के अंत दिसंबर में वहां पे पहुंच गए. ओके ओके. ये आपके गांव का पिक्चर है. ये अभी अभी का है. पहले मट्टी का घर था. हाँ. तो अभी मैंने वो बुक जब छपा तो उसमें गया था. तो वो हमारा घर का है. हाँ, हाँ, गांव में. बिहार का गांव. हाँ, भोरमबाग गांव है. नाम है भोरमबाग. ओके. तो हमारी कद बहुत छोटा मोच दाढ़ी भी नहीं आया था खानापुर में. वो आके स्टाफ बोलने लगे अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा कैसे कर पाएगा काम. ये तभी का खानापुर का है. हाँ. वहाँ पे तभी वो ट्रेडिशनल व्हील पे सिखाते थे. हाँ. वो चेट्टी गुरु जी थे आंध्रा का. ओके. हाँ. हाँ. उनके मार्फत उनके हाथ से ही मैंने सब सीखा. आप राजन चेट्टी सर की बात कर रहे हैं या उनके पिताजी थे? उनके
तो उनके चाचा थे राजेंद्र चेट्टी जो है हाँ, उनके चाचा चाचा के हस्बैंड थे। है। हाँ 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 हाँ, और ये राजेंद्र उस समय बहुत यंग था, हाँ क्योंकि वो जीजा है। लगभग आप ही के बराबर है। हाँ जी, वहां हाँ जवान का यार बहुत, उनके तो बहुत मेहनती था हाँ और आदत था मुझे काम करने का, तो पूरा हाँ मट्टी गूंज कर रोज मैंने ज्यादा कोई फूलदान बनाता था, कभी कोई ज्यादा करके शेप देता था, नियम से सब करते थे, टर्निंग किया और हाँ उसे हाँ वहां पर ये लाख लाख का काम किया, लेकर का हाँ लाइकर का चलता ग्लेजिंग, था। हाँ हाँ अब उसमें ग्लेजिंग नहीं था इसमें, तो वो लेकर लाख का भी काम किया। हाँ हाँ, और पूरा ट्रेनिंग होने के बाद जब होने लगा तो वहां हमारे प्रिंसिपल वासुदेवन जी था, जानते ओके हाँ होंगे वासुदेवन जी। राइट हाँ हाँ, मतलब पहले लूला जी थे, फिर से वही दरमियान में वासुदेवन जी आ गए, तो ओके हाँ उन्होंने मेरा फिर सिलेक्शन किया और उनको हमारा काम बहुत पसंद था, तो वो भेजना चाह रहे थे बम्बे में अजगांवकर साहब जी के पास, ओके हाँ कलानगर। कलानगर में। जी हाँ 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 जी हाँ, तो उसमें सुब्रमण्यम डायरेक्टर थे, पहले डायरेक्टर यहाँ हाँ बम्बे में, बॉम्बे में। हाँ हाँ बिले पार्ल ऑफिस में, तो ये आजगांवकर जी वहां है। हाँ से फिर हमको हाँ यहाँ ले गए, मदद किए वहां तक, भिजवाए किए काम, तो हाँ बस मुझे बहुत आनंद आया काम को देखे, बहुत प्रभावित हुआ, तो मैंने हाँ कुछ सोचा नहीं कि क्या हाँ मिलेगा पैसा क्या नहीं, हम सिर्फ एक रूप में काम करना पसंद किया। बिल्कुल बढ़िया फिर बढ़िया। हाँ बहुत उनका अजगांवकर साहब को बहुत प्रेरणा मिला और हाँ बहुत काम जैसा चाहिए वैसा उनके पास ही सब सीखा, मुझे तो कुछ बिहार के था तो ज्यादा बोलने भी नहीं आता, बैठने उठने का तो अच्छा नहीं आता, सब उनके पास सीखा। क्या बात है बढ़िया। ओहो हमारे भी गुरुजी रहे हैं वो। हमारा पूरा थे ही बचपन बचपन वहां पे गया पूरा। हाँ बिल्कुल बहुत, जरूरत पड़ता तो अपने हाथ से गार्डन में झाड़ू लगा देते, बहुत उनकी आदत सही था ऐसा सही बात है। होता। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। या वो उनके पास करीब 2.5-3 साल रहा, ओके हाँ और फिर जरा सा हुआ मैं अपेक्षा कर रहा था आगे बढ़ूं, तो जरा उनको मैं बहुत पसंद था तो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ओके हाँ फिर अब लकी है, जब किस्मत जब अलग होने लगता, कुछ आगे बढ़ने लगता, कैरियर सुधरता है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। सही बात है बिल्कुल ठीक। तो मैंने एक बार सीखने के भी उन्होंने और मौका दिया मुझे, वो हाँ रेहजा आर्ट्स स्कूल जो हैंडीक्राफ्ट हाँ था ये वर्ली में, वर्ली में जो हाँ हैंडीक्राफ्ट उन्होंने हमको सिफारिश किया था, जाओ पंडित तुम हाँ वहां भी जाओ मॉडलिंग सीखो, भंडारे सर के हाँ पास यस 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 राइट वहाँ हाँ मॉडलिंग हाँ किए, फिर हाँ वहाँ शायद वही शायद दरमियान मैंने वो भी एक स्टाइपेंडरी कोर्स चलता था। जी हाँ वही छोटा सा पौधे था, हाँ, मॉडलिंग करते थे। हाँ जी, करेक्ट मूर्ति हाँ वगैरह सब अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था वो भंडारे यस सर, गुरु यस जी यस जी से एकदम जो पूरा। हाँ जी, खादी वाले थे एकदम। हाँ फिर ये वो ये हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर है, एक बार हाँ मैंने उनके पास गया, वहाँ पाटिल साहब डायरेक्टर हाँ थे तो वहाँ थोड़ा सा गद्दारी मैंने किया था हल्का सा। ओके हाँ अब क्या होगा, आगे बढ़ना है, तो मैंने बोला अजगांवकर साहब के ना मुझे नौकरी चाहिए अभी, अपने हाँ उनके पास था तो पाटिल साहब को बोला, तो उसमें हाँ मिसेस सुफिया थी डायरेक्टर पॉलिटेक्निक सुफिया कॉलेज, हाँ हाँ राइट तो वो सोनी साहब जो थे, सोनी साहब वहाँ छोड़ दिए थे, उन्होंने जेजे में हाँ ज्वाइन किया, वो हाँ जगह रिक्त था, खाली था। ओके हाँ जी वहां से फिर बातचीत हुआ, फिर बाद में हमने बोला तो जरा बुरा लगा, मैं बोला आप मुझे सिफारिश करिए, मैंने वहां जाना ज्वाइन चाहता हूँ। करना है। हाँ फिर फोन किए, वो मिसेस सुखिया डायरेक्टर थी पॉलिटेक्निक हाँ का हाँ सफाया में, बोले ठीक है तो जाओ, नहीं बोला फिर हमको बढ़िया लेटर लेके दिए और वहाँ फिर ज्वाइन कर ज्वाइन हो गए। लिया। ओके हाँ जी, ओके तो ओके वहाँ ज्वाइन किए तो काफी मेहनती मैं था, वो स्टूडेंट नहीं मिलता तो उस समय मैं काम भी करता था, फिर आप एग्जीबिशन एनुअल एग्जीबिशन होता उसके लिए जी। हाँ तो ये कब की बात है कौन से साल की बात है। ये सोफिया कॉलेज है 78 एट का बात है सर, नहीं, हाँ, 75 है सर, 75 इमरजेंसी के पहले पहले। हाँ जी, 75 हाँ है सर, हाँ 75। राइट फिर वहाँ ने बहुत लगन से काम किया,
और बहुत हमारा काफी करियर गया, 34 साल वहां निकालना पड़ा है जी, सोफिया कॉलेज में लंबा गया। उसी समय मैंने अब बहुत बहुत मैं काम करने वाला था, तो लगते ये लड़का बहुत मेहनती है, कुछ और सीखना चाहता है। जब भी मैं बोलता ये चाहता तो मुझे स्कॉलरशिप दे देते थे। एक बार दिए मिनवेरा सा भद्रावती में 3 महीने के लिए। दूसरा बार बोला तो मुझे जे स्कूल में मंजरेकर साहब थे ना, जे में हाँ मॉडल स्कूल, वो भी हमको छुट्टी दी है, वहाँ भी जाओ। ओके, जे में पार्ट टाइम होने लगा। फिर अब शुरुआत आगे जब थोड़ा ज्यादा लंबा गया, तो अब मैंने यहाँ एक घर लिया था चाल भाइंडर में, ये देखे जो फोटो दिख रहा है कुछ नहीं है वहाँ पर अभी। बैंदर कुछ नहीं था यहाँ, कोई खाली था। तो अभी हमारे उस समय सब कुछ तो था, लेकिन पैसे तो नहीं था ज्यादा कुछ। हुनर था हाथ में, गुण था, सब विद्या था हर चीज का, लेकिन फिर मैंने चुनार टाइप का एक छोटी भट्टी बनाया, जहाँ जो रूम में रहता था ये बच्चे लोग भी वहाँ जन्म लिया वही में। चुनार टाइप जो दोनों तरफ से लकड़ा डलता है वो। वो मैंने अपना भट्टी बना दिया हुआ। और धीरे धीरे मैंने एक ऐसे सेगर जैसा ही नहीं, वो किसी कुंडी के अंदर पका पका कर उसे निकाला, इतना अच्छा भट्टी भी नहीं था, ज्यादा दिन दो साल को चलाया, डेढ़ साल। वही रहता भी था, वही खाता था, वही शुरू कर दिया। मतलब वो सबसे गुण स्टार्ट है मेरा, मूल पूंजी 300 रुपये का वो लाल ईंटे का भट्टी बनाया था वहां से। क्या बात है, अपने हाथ से खुद से भट्टी बना के शुरू हो गए। और वो होने के बाद क्या हो गया, इतनी डिमांड था, क्या बोले, एक कोई प्लांट बनाता था, पंडित जी एक मिनट, खुशबू जी आपका आप म्यूट कर लीजिए, तो हमें आपका इको साउंड नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अभी अभी बात करिए। हाँ पंडित जी अभी बोलिए। और ये लोगों में, बंबई के लोगों में एक आपका ये जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी मतलब सेरामिक की चाह था उस जमाने में। एक तो स्टार्ट हुआ था पहला ईके बना बॉम्बे से, फ्लावर एलिमेंट। फ्लावर एलिमेंट बिल्कुल बिल्कुल, अधिकार साथ में वो प्रेरणा मिला है। फिर वैसे उसी समय फिर बोंजाई का भी यहाँ से शुरू हुआ, बॉम्बे से, बॉम्बे से स्पोर्ट्स के लिए। यस, तो ये इतिहास है यहाँ का, ये सही बात है। तो जैसे मैंने कोई हैंडीक्राफ्ट में रखा कि वो पूरा ऐसा आते ही या चश्मा निकाल के तुरंत ऐसा देखते हैं, बर्तन को साइड करके पहले आगे बढ़ते थे। एकदम बिल्कुल जिससे मिलता नहीं है तुरंत। फिर एक दो साल में मैंने थोड़ा और बनाया, फिर गार्डन शो में गया। उसके बाद जो पंचाल से लिए थे मैंने जगह, वो एक बार क्या हुआ, उन्होंने बच्चा दोनों भट्टी था बगल में सोया हुआ था भाई। बोला ये क्या पंडित, ये बच्चे को गर्म में तू रखा है। मैंने बोला साहब ये पॉटरी मट्टी काम के लिए बड़ा जगह चाहिए। तो उसने सोचा एक हफ्ते के बाद हमारे पास उसने आधी भेज दिया तुरंत। तो मेरे को 4.25 घंटे की जमीन, फिर बोला इसमें तू जाओ अभी करो। क्या बात है, वाह वाह, वहां से लकी हो गया मैं जी। यहाँ वो शुरू में किया, फिर अच्छी तरह, और वही टाइम मैंने घड़ी चला गया था दिल्ली में। तो वहां की भट्टी में देखा कुछ ये रहते दोनों तरफ से बिजली के तो था ही, बगल में एक मेटल कास्टिंग का भट्टी था, तो मुझे थोड़ा प्रेरणा मिला। वहां देखकर फिर मैंने आया, तो ये नया जगह में थोड़ा सा शेड वगैरह बनाया और चालू किया। फिर वो बहुत तेजी से बाद में और फैशन बढ़ गया, ये बर्तन लेने खरीदने का लोग आने लगा हमारे पास। गार्डन शो में जाने लगा, तो मेरा फिर पूंजी थोड़ा बढ़ा जी, बड़ा यहाँ से जरा मजबूत हो गया। आपने फिर डीजल भट्टी कब लगाया? डीजल भट्टी कब लगाया? कुछ तीन एक साल में वो डीजल की भट्टी
लगभग 1988 में सर। ओके ओके जी 1988 में लगाए। अच्छा तो और एक साल पहले ही है लेकिन वही था। और शायद पहले ही होगा क्योंकि हम 88 में पास आउट हुए, उससे पहले आपके पास हाँ, लग गया था। वही है, लग गया था, घड़ी से आया ना, तो घड़ी से आया ताबड़तोर डीजल के बटन पर किया। राइट राइट हाँ, और नहीं अभी याद आ गया, मैंने जापान गया था। हाँ जी, तो जापान आपको बोंजाई सोसाइटी के थ्रू गए थे कि कैसे गए? निकुल साहब आए, वो इंडो जापानीज एसोसिएशन, हाँ हाँ बोंजाई इंडो जापानीज, उनके साथ दो बार गया जी। ओके ओके हाँ, वो टीम है तो वहाँ से और ज्यादा प्रेरणा मिला है। ओके ओके, फिर जो जो चाहिए था वो यहाँ कुछ गलत बना हुआ था, तो मैं वहाँ गया तो कुछ बदल दिया जाकर आ गया। जैसे गैस का टॉर्च बनना जाता है ना, ऐसा किया तो उसमें हमको दिक्कत नहीं आता था, जल्दी टेम्परेचर पहुंचने लगा और सर्कुलेशन मिल गया है, हीटिंग सर्कुलेशन बचेगा जी, एफिशिएंसी उससे बढ़ गया, क्वालिटी भी आने लगा। बराबर हाँ, जहाँ तक पहले लकड़ी जलाता था उसके बाद जहाँ तक पंडित जी हमारी जानकारी है, आजगांवकर जी 1100 डिग्री में ही काम करते थे, तो आपने स्टोनवेयर पे काम कब शुरू किया? स्टोनवेयर अच्छी तरह मतलब वही 88 में, उसके पहले लकड़ी का भट्टी था तो अर्धनबेर कर रहा था, फाटक भी बनाते अर्धनबेर में, वो समझिए 1100 नहीं था, 1050 वही है, बौरे का गलेज कर रहा था। बराबर बराबर उसके बाद जब डीजल लगाया उसमें भी थोड़े एक साल उसको सेट करने के लिए अर्धनबेर ही किया। ओके ओके, फिर स्टोन बेयर फिर मैंने किया। हाँ, तो पहला शो हमारा स्टोन बेयर का हुआ था सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक में, वो आर्ट गैलरी था फर्स्ट। हाँ, 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 तो उस समय बहुत पसंद सब किया और काम हाँ, जाने लगे उस जमाने में, रैली जगह भी थे। हाँ, हाँ, रैली भी थे, करेक्ट। उस जमाने में तीन ही स्टूडियो चल रहे थे, एक तो रैली जी, अजीत वैद्य और आपका स्टूडियो था। हाँ, और निर्मला पंडित, ये अपना आई थी प्रमिला पंडित, प्रमिला पंडित जी। हाँ, वो आई तो वो तो बहुत जानने वाली थी। हाँ, तो वो आई जो गैलरी में, तो बोले ये तो बड़ा अच्छा काम है। पूरा इंग्लैंड वगैरह सब घूमी हुई थी ना, तो हमारा वो ये सबसे गुड लक है। पहला शो में मैंने जो डिस्प्ले किया था वो सस्ता था, इतना काम बहुत अच्छा था आपके पास, सबके सब पहले ही मतलब डिस्प्ले पहले सब सोल्ड हो गए। पहले एग्जीबिशन के कुछ फोटोग्राफ होंगे? हाँ है, पॉट भी है। थोड़ा फोटोग्राफ अभय जरा आगे करिए तो उसमें नया कुछ काम देखो। हाँ, पहले फोटोग्राफ। और वहाँ आप बहुत लोगों को सिखाते भी थे वहाँ सोफिया कॉलेज में, तो वहाँ से आपके कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो जिन्होंने आगे जाके सिरामिक्स में काम अच्छी तरह से किया? हाँ हाँ, एक तो दो थी जिसको हमको हमें उनसे सिखाया भी और हमसे मतलब उनका प्रेरणा मुझे बहुत मिला, किताबें भी लिखा है। हाँ, उसका नाम मिसेस गिया था। उनके साथ कम से कम तो 35 साल टच में रहा। ओके ओके, तो वो सब उनके पास पोर्ट्री इंग्लिश है, सब कुछ इंग्लिश था, बहुत सॉफ्ट उनका टेस्ट था। हाँ, बहुत हाँ, बहुत मुलायम ये सब करना। हाँ, फिर सब उन्होंने सीखे या बाद में वो खुद की ये स्टूडियो पोर्ट्री शुरू किए थे यहाँ फैक्ट्री में, मुलुंड में। ओके हाँ, फिर वो थे और माधवी सुब्रमण्यम, माधवी जी है, करेक्ट राइट। हाँ, माधवी जी ने भी अच्छा, और आदमी सहता नहीं, अंजनी जी को हमको नहीं, आदमी ही मेरे को वो भी हमको उनका आदमी ज्यादा है, अंजनी खन्ना ना। और अपने इंद्रु भाटिया जी थे। और आपके स्टूडियो में भी आके बहुत लोग सीखे होंगे, आपके स्टूडियो में आके भी बहुत लोगों ने सीखा होगा उसमें से? नहीं, ज्यादा नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि मेरे काम करने का आदत है ना, आदमी लोग जब यहाँ काम करते हैं ना तो हाँ, मैं थोड़ा कम पसंद करता है तो ओके, बातें बात में खेले गोपी कुकड़े को दिया था चांस। हाँ, 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 उन्होंने काफी हाँ, अच्छा काम किया था गोपी जी का। हाँ, काफी वो जो सोफिया कॉलेज के कॉन्टेक्ट से आया, कुछ 2.5 साल की और बहुत अभी भी गुरु जी मानते कभी हर हर गुरु पूर्णिमा का जरूर वो कुछ करेगा। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। ओके, वही था।
अबे आगे फोटोग्राफ आगे बढ़ाइए अबे। हाँ ये अभी आपके स्टूडियो में आप काम करते समय की पिक्चर है। आपका वही। शाह हाउस का जो प्रोजेक्ट था पार्ला में वो कब हुआ? हाँ वो पार्ला में 1991 में। ओके। हाँ हाँ वो समय हम मतलब समझने लगा ज्यादा सर हमें, उससे पहले नहीं समझता था। ओके। हाँ और हाँ, उस समय निर्मला जी के साथ भेंट हुआ कैसे है? हाँ राजीव सेठी जी ने जोड़ के निकाले निर्मला जी को पकड़ के, चलो पंडित ये नो बड़ा पंडित को जानता हूँ, तो राजीव हाँ सेठी उनके साथ लेकर आए निर्मला जी ओके हमारे ओके यहाँ। तभी जब ओके। हाँ आप बोले ना, हाँ जानकी हाँ कुटीर, करेक्ट हाँ करेक्ट। वहाँ हाँ जो जानकी हाँ कुटीर हाँ उसका राजेश शाह उस समय थे मालिक, बराबर ऐसे बराबर। के तो भाई दोनों होंगे लेकिन वो हाँ मेन थे राजेश शाह। हाँ हाँ और वो वहां बनाया बहुत अच्छा हैंडमेड टाइल हाँ बनाया, थोड़ा हाँ मेहनत लगा लेकिन उनका टेस्ट बहुत अजीब था, हाँ मैक्सिकन जैसा। हाँ तो हमारा वो जल्दी नहीं जम रहा था, लगे 1-1.5 साल लग गया उसको जमाने को, हाँ हाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हाँ ठीक है। वो नया काम था पूरा, लेकिन वहां से आपका एक अलग लाइन शुरू हो गया। टाइल्स जी वगैरह जी का जो जी म्यूरल का काम था हाँ, वहां से उसमें हो भी गया जी। वहां से शुरू हुआ। और स्विमिंग पूल का भी काम मिला था, स्विमिंग यस पूल जरा यस, बड़ा था। हमने हाँ देखा था वो जाके पूरा काम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अच्छा। था। हाँ जी 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 ओके। और फिर आपने जो आगे काम बढ़ाया उसमें एग्जीबिशन के थ्रू आपको ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, या आपको प्राइवेट बड़े बड़े म्यूरल्स जो मिले वो शुरुआत कैसे कहाँ से हुआ? हाँ, वो क्या हो गया उस बीच में आपको बताते हैं। हाँ शाह उसके टाइम में हाँ वो क्या, ये अब ये छोटा छोटा था ऐसा, और हाँ फिर बोंझाई पोर्ट का पूरा इंडिया में डेवलप करने का था सही ना, बात है। मार्केटिंग जैसा ज्यादा कस हाँ के काम किए हाँ 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 जमाए, और फिर मकान बनाना शुरू कर दिया। जो था हाँ उससे पैसे आए ना थोड़ा, तो यस मैंने यस मकान अपना बनाया, उसने वो ज्यादा ध्यान दे दिया। फिर सही बात है। हमारे एग्जीबिशन की जो बातें कर रहे अभी बाद में, फिर हमने जांगिर में किया, हाँ हाँ शो किया, तो वो चीजें एकदम 10 साल के बाद किया, बीच में एकदम ड्रॉप कर दिया था। ओके अब ओके उस समय सब हमारा जो टेस्ट किए काम है सब डेवलप हो गया जी। ओके ओके। नया 2003 में बहुत अच्छा कलर फिर लेने। एग्जीबिशन किया, हाँ। 2002 2003 है जी। ओके। नहीं सिंब्रोजम तो बता दिए ना, सिंब्रो वो जांगिर में किया, जांगिर जांगिर जी। ओके। और हाँ उसके बाद आप सब हमारा एग्जीबिशन देखे होंगे यहाँ सिमरो जाट गैलरी में, बिल्कुल बिल्कुल, हर साल हम देखे देखते हैं। राइट राइट होंगे जी। यस। हाँ और ये वही था हमारे। चैटरिंग चैटरिंग वगैरह का जो टेक्निक है वो आपने खुद से डेवलप किया, कैसे हुआ ये सब चेंजेस? ये वही जापान गए थे तो मैं देखा कि इनको करते समय, हाँ ओके ओके। हाँ हाँ तो वो फिर वो आ जाता है, और उनकी तो और कुछ है, बहुत कुछ है बहुत जो है। हम अभी भी असंभव है जी, लेकिन नहीं क्वालिटी असंभव नहीं, अभी इंडिया में सब कुछ हो रहा है, अभी हो उसके रहा एकदम चाइना और जापान की जरूरत भी नहीं है अभी देखते, है। तो अपना हिंदुस्तान कुछ कम नहीं है जी। अभी तो सही काफी जी डेवलप हो गया, लेकिन आपने जब शुरू हाँ किया तब कोई ईमेल नहीं था, जानकारी नहीं थी, किताबें भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, तो आपने तो जी पूरा जी मेहनत करके ये खड़ा किया है। तो जी 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 अभी जैसे आपने म्यूरल्स के कुछ फोटोग्राफ होंगे आपके काम के, तो हाँ जरा हाँ मुझे मेरे दिखा रहे मेरे दिखाइए। वस्तु, उसके बाद दिखाऊंगा। हाँ तो कितना दिखा हाँ दो, ये दिखा आपका, मेरा ईमेल आया था ये पंडित जी, भट्टी का सोडा फायरिंग करते हुए, सॉल्ट फायरिंग। हाँ सोडा फायरिंग का ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हाँ ये मैं सोडा डाल रहे भट्टी के अंदर स्प्रे कर हाँ रहे हैं, और हाँ ये प्रेरणा मिला था किनसे, इंदुर भाटिया ओके। वो आपके हाँ बताते हैं, वो हाँ गई थी 1-1.5 महीना वहां रह गई थी, और 3-4 स्टूडियो में जा काम की थी, फिर वो हाँ हमारे पास आई, इंग्लैंड गई थी, फिर हाँ बताया, पर हाँ वो फिर मैंने अपना लिया, वो भी सच्चा बोलना चाहते जी क्या क्या बात है, क्या है। हाँ बात है। जी हाँ ठीक अरे बोलिए वाह, जी ये तो देखे आपको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। ऑटर्स के लिए लग आप एक लोग की बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए, सब सब पॉटर के आशीर्वाद है इसके इंस्पिरेशन है हमारे लिए लिए कि पॉटरी करके भी आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात जी। है।
आपके और जो काम थे, जो एयरपोर्ट पर आपने काम लगाया था, या उसके बारे में कुछ आप बताइएगा। एयरपोर्ट पर जो आपने बड़ा हाँ काम किया है उसके बारे में हाँ बता आपको। रहे हैं, अभी बता रहे हैं। हाँ, आया जी, आइए। दिखा नहीं दिख रहे, कुछ आवाज आप जापान जब गए थे तब आप किसके अंडर ट्रेनिंग किए थे, या सिर्फ विजिट करके आए थे? जापान में आपने किसी के अंडर ट्रेनिंग किया था? नहीं, विजिट जैसा था, एक हाँ जगह एक वर्कशॉप किया था कोई एक हफ्ते का। ओके हाँ, ओके तो वहाँ हमने कुछ स्टूडेंट्स जेपनी थी, और हाँ एक दिया मैंने, वो यहाँ लाइन पे आते हैं ना, वो हाँ लटका लटका के गुजरात के बनाते, वो नहीं बना बताया था सब, तो सब लोग ओके लाइन से सीखे थे। इंडियन ओके इंडियन होना चाहिए, तो वही बताया ओके था। देखिए अभय नहीं अभी मूव नहीं हो रहा है वो, नहीं हो रहा जी, करो करो। छोटे अभय, अभय के छोटे बेटे हाँ, अनंत, वही डिफरेंट। मास्टर अनंत, थोड़ी मदद करो दादाजी की। हाँ ये हुई ना बात। हाँ यार, हाँ वही की मदद, वही की। यस, तो क्लियर है संदीप जी, इमेज आया? ये एयरपोर्ट का। कैन वी हैव हाँ इट फुल स्क्रीन, डू यू थिंक वी कांट सी दे द सी डिटेल्स? अभय एक बार फुल स्क्रीन करके देखो ना फुल। ओके, बड़ा करो। हाँ यस कैन यू सी, एवरीवन कैन सी, थैंक या, दैट्स ग्रेट यू, ग्रेट, ओके, थैंक्स बहुत बढ़िया, वाह। सर। ये काम कितने दिनों तक चला आपका, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया लगता है। हाँ, चला, अढ़ाई साल चला था सर, ओ बाप रे। क्योंकि ये इसकी तो मीटिंग ही हो रहा है, कम से कम 6-8 से 10 महीने तो मीटिंग होते रहा। हाँ, मीटिंग होते होते फिर वो उसका डिजाइन नहीं पकड़ पा रहा था, बहुत अच्छे अच्छे और थे, तो इसके कुछ जो आपका रफनेस हो गया, तो आपको सच्चाई बताता हूँ। ये अहियात होटल में वो अपना दरोज साहब ने किया, एक म्यूरल बनाया था। हाँ, ओके, तो वो सब ऐसा लाइन लाइन बारिश आते हैं थोड़ा, कंघी से कैसे कर देते हैं, रफ रफ कर दिए। हाँ, तो वहाँ खुद ही भेजे हमें, या फिर वहां से प्रेरणा मिला है, तो फिर वहां से शुरू किए काम। राजू सेठी जी, T2 में जो करना तो साइड पे लेके गए, तो बताए थे कि ये पानी के ऊपर करना, वाटर के ऊपर, एलिमेंट वाटर पे करना है, पंच महाभूता पे। हाँ, करेक्ट पंच महाभूता पे करना था, तो फिर काफी बातचीत हुई। और ये जो आप देखेंगे, आपको लेफ्ट साइड पे शिवलिंग दिखता होगा, आपको आपको ओके शिवलिंग का आनंद दिखाना। शिवलिंग पड़ा दिख रहा है आपको संदीप जी? शिवलिंग ये बताइए। हाँ राइट 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 तो हाँ, हाँ तो संदीप जी वो शिवलिंग हयात होटल में नमिता श्रॉफ के साथ राजीव सेठी जी आए थे शायद ओके हाँ 2001 में, तो ये हाँ बन चुका था, हम्पी हाँ से इंस्पायर्ड था, बट वो लग नहीं पाया, शायद इंजीनियर्स नहीं कर पाए, पता नहीं क्या बात है। ओके तो पंडित जी ओके ने बहुत संभाल के प्यार से रखा, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इन दोज डेज, यस यस नहीं संदीप। हाँ तो जब ये पूरा एयरपोर्ट का बनने आ गया पूरा, मतलब ये आपको दिख रहा है, पिलर्स दिख रहे होंगे, हाँ मतलब पानी के करेक्ट मतलब नीचे मुंबई का बीच है, एवोपरेट होके पानी जा रहा है ऊपर, और अप्सरा के ओके हाँ बादल है, क्लाउड्स है पीछे, आपको दिख रहे होंगे है हाँ ना, उसके ऊपर पिलर्स पे और बैकग्राउंड वाले स्ट्रिप वाले टाइल्स पे सब है। राइट राइट तो राइट मतलब हिंदू परंपरा में कि आप एक गिलास पानी देते हैं हाँ मेहमान को ये स्वागत करने के लिए, तो इट राइट वाज लिंक्ड मतलब शिवलिंग द ओके वाटर एंड ऑल दिस थिंग, ओके और ओके एक जल तरंग था जिससे हाँ बचता था, मतलब राइट साउंड आता था इधर, ओ एंड ओके ड्रॉट हो जाएगा संभाली, तो हाँ ये सब था। तो 2-3 साल लग गया मोटा मोटी इसमें। बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया बहुत हाँ बढ़िया, हाँ वाह। जी, हाँ जी, और और आपने फ्लैट बिहार में भी कोई बड़ा हाँ म्यूरल किया था, उसके बारे में कुछ जानकारी हाँ वो होगा? भी दिखा संदीप, खत्म करता हूँ थोड़ा, ओ फिर ब्यूटीफुल शिवलिंग का दिखाना पड़ेगा, तो शिवलिंग का डिटेल दिख गया ना हाँ हाँ ये संदीप। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस वेरी नाइस देन पंडित जी देयर। अच्छा यस संदीप जी, उसके हाँ बाद डायरेक्ट
डायरेक्ट जो एयरपोर्ट थी अथॉरिटी मियाल जो जीवीके बोलते हैं संजय रेड्डी जो उनके मतलब उन्होंने बोला पंडित जी आप एक हमें बना के दीजिए एक इंस्टॉलेशन टाइप जो अर्न्स होना चाहिए बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र में तो ये 120 अर्न्स थे अलग मतलब इस तरह से डिस्प्ले किए हुए ये ओपनिंग के पहले एयरपोर्ट का और हर पॉट पे पंडित जी के ग्लेस के छिट्टे मतलब आपको अगर देखेंगे थोड़ा सा तो ब्लू कलर का आपको थोड़ा दिखेगा संदीप थोड़ा सा सरफेस में दिख रहा है आपको पंडित जी ग्लेस से छुट्टे मारे तो हर पॉट में अलग अलग था मतलब ये फ्रीटेड के लिए जाए मीडियम ये उनका काम आया था आनंद तो उसके बाद फिर एक जाली के ऊपर था ये भी एयरपोर्ट पे था क्या बात है पे, तो इसमें सिरामिक का जाली बीच में है इस तरह से और ये भी है और आप देख सकते हैं सिरामिक का है बाकी अलग अलग है ओ ब्यूटीफुल बिहार में पटना में संदीप दिख रहे हैं नहीं बंद ये भी एयरपोर्ट पर ही है नहीं नहीं संदीप यहाँ पटना में है बापू जी सवाल ओके 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 महात्मा गांधी के जीवन पे जब उनका 100 साल हो गया था चंपारण के इस पे है तो वहाँ के बिहार गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया था और पंडित जी से मुलाकात हुई थी सीएम साहब की मुंबई में ही मॉन्टेड पंडित जी आप कीजिए तो ये बापू सभागार में एक वॉल पे है अभय आपका आवाज इको साउंड हो रहा है आपका जरा हेडफोन ठीक से लगाएंगे तो सब लोग सुन पाएंगे अच्छे से अभी आवाज सही आ रहा आपको संदीप जी हाँ अभी क्लियर हाँ वो दूसरा साइड गया तो फिर संदीप जी ये था कि जैसे आपको पीछे टेक्सचर दिखता होगा और बैकग्राउंड में राउंड सर्कल के जो प्लेट्स है उसके पीछे और हम लोग ऐसे चावल की खेती भात वाला करते हैं ना ऐसा छेद छेद करके वैसे टेक्सचर है तो मतलब ब्रिटिश लोग चावल की खेती नहीं करने देते थे इंडियन लोग ओहो ओके हेलो तो ऊपर से बर्ड्स आई व्यू पे आप जमीन आपको हाँ तो बर्ड्स आई व्यू से आपको जमीन के टुकड़े दिखेंगे जो खेत के होते हैं ना टोपोग्राफी दिखेंगे बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में राउंड सर्कल दिए कि गांधी जी सात समुद्र पार करके आए थे अफ्रीका गए लंदन गए मुंबई सब जगह एंड देन ही डिड द क्रांति ही डिड द सत्याग्रह बेसिकली एंड ही बेसिकली वन यू नो बेसिकली गलत कर रहे तो उनका जीवन दिखाया गया तो उनका चप्पल दिखाया गया यू नो ये झाड़ू से साफ कर रहे हैं लाइफ इन हिज फ्रेंड्स यू नो राजेंद्र प्रसाद जी तो ये बड़ा था काफी आई थिंक मैं आपके एयरपोर्ट का बोलना भूल गया संदीप जी वो भी कुछ 68 फीट का लंबाई का था संदीप जी एयरपोर्ट वाला करेक्ट हाइट वाज 20 फीट एंड अबव एंड इट वाज 25 टन्स वे ओ बाप रे हां वो बड़ा उठा था काफी गया सर एंड ये वाला जो बापू सभागार का सर ये दो दीवार है ऐसे तो ये लगभग 20 फीट के आसपास दीवार है म्यूरल का साइज है एंड द हाइट इज ऑलमोस्ट 8.5 से मतलब 9 फीट के आसपास जा रही है क्या बात है क्या बात है एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ द वॉल आई विल शो यू द यू कैन सी द चरखा एंड एवरीथिंग संदीप देखे ना यस 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 गांधी जी के रिलेटेड सारे एलिमेंट्स है उसमें यस तो संदीप जी ये दूसरा फिर वॉल आ रहा है इसमें आपको देखिए उनका घड़ी दिख रहा होगा राइट राइट हां तो दो वॉल है राइट लेफ्ट है तो ये भी वापस 20 फीट वाला इसी तरह से है एंड तो आपको उनका बोर्ड दिख रहा है गांधी जी का मतलब और तीन बंदर दिख रहे हैं यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली करेक्ट सो बेस्ड ऑन द सेम दिस थिंग यू नो ये गांधी जी केम एंड ही डिड दिस यू नो इंडिगो फार्मिंग ओके ये दो वॉल पे था और एक और दिखाते हैं आपको बापू सभा ये यू कैन सी अ गुड व्यू नाउ ऑफ द यस वेरी नाइस सी द टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग है ना You can see, अनंत इसका इंस्टॉलेशन तो काफी मुश्किल होगा बिकॉज यहाँ कहीं पे स्ट्रेट कट नहीं है सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कीप द कंटिन्यूटी व्हाइल पुटिंग इट अप या इट वाज नॉट अ स्ट्रेट कट बिकॉज आई रियलाइज्ड कि लेट्स डू समथिंग कंटेंपरेरी
yet have something realistic on the foreground. The background was very contemporary with textures and all the abstract cut, you know. It looks like a topography piece, the land, the birds. So I did that. I mean, Pandit, when I was working, it did that, you know, amoeba cut sort of thing, basically, uneven. It created a different language altogether when put together, basically. It looks abstract from near, but as you go far ahead, everything gets gelled, you know. And then those plateau sort of thing coming, I call it a clay canvas coming out in the foreground. Creates like an hanging, what you call, you know, it's installation basically which speaks, you know. So it was difficult, but then I think it worked out eventually. Only it was a new territory, Patna, we were not familiar with. So, but everything well, good. So it is your three murals. Native, so it has to be good. Yeah, it is your native, so it has to be good. It was new, this thing. So it worked out and we were surprised, happy that we got good support. And you can see the third mural. Yes. Of young Gandhiji. I'll show you, Anand. This is interesting. The CM always talks about, and his secretary, chief secretary, Anjini Singh, who is the one instrumental in getting this art revolution in the latest Bihar, you know. And he said, Pandiji, hamare yahan young Gandhi ji aaye the 1917 mein, if I'm right. To wo aise kachewadi pagdi pehen ke aaye the, young Gandhi ji the. Matlab wo Bihar kisan log ke sun rahe hai, matlab shikayat sun rahe hai, kitne takleef dete the kheti karne. So you can see the blue indigo, and they wanted Pandiji's favorite turquoise because they thought he's the one who will get this indigo color coming out. Bahut sundar, so they got stuck. So you can see the British, soldiers, you know, wo sab chal raha. And then we created dream. Gandhiji never thought, but it was a dream. It looks like a map of a Bihar, but it's not a map of Bihar. It's a dream basically. Correct. And you know, Gandhiji comes out in a white color. He does that satyagraha. He's white in color basically. Right. And he wins with, you know. चैलेंज इन सिरेमिक्स आई बिलीव It was difficult. In fact, we made it old Gandhiji, but they were very clever. They said old Gandhiji never came to Bihar. Young Gandhiji came to Bihar, so they made me remove that. They made me to get this young Gandhiji. I had a tough time putting it, but that's fine. This is ek hi jagah mein hai. Bapu Sabhagar bolte hai usko. Correct. Patna mein. Yeah. फेमस गांधी मैदान के सामने है. इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर व्हाट दे हैव डन. इट्स एब्सोल्युटली अनंत और दिखाना. यू कैन सी द व्यू ऑफ दिस राइट. अनंत दिखाना. वेरी नाइस. या क्या बात है. बढ़िया. हां काफी रिलीफ वर्क है उसमें. हां काफी रिलीफ आपको दिखेगी पगड़ी से काफी बाहर आ रहा है. काफी बड़ी पगड़ी से ताकि वो लगे मतलब सुपर ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना. लग रहा की है उसी पटना में ही है. बापू सभागर के बाजू में इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है कैंपस बिल्डिंग जो बोलेंगे आप उसका नाम है ज्ञान भवन. गौतम बुद्ध के ऊपर है ज्ञान भवन. तो वहाँ ऊपर आपको पेंटिंग दिख रही होगी जतिन दास जी सर गांधी जी के जीवन पे. और पंडित जी बीच में है और इसके नीचे दरोज जी है. क्या बात है. इसमें भी वही उसी का कॉन्सेप्ट था बट उन्होंने बोला पंडित जी हमें चाहिए बट उसी पे चलिए चंपारण पे इंडिगो पे. तो फिर देन वी थॉट व्हाट टू डू. देन वी थॉट की लेट्स शो दैट इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश यू नो इन इंडिया. बिहार बिकॉज वेरी गुड फार्मर्स बिहार पीपल. उन्होंने क्या किया पूरा उनपे जकड़ लिया था मधुमक्खी का छत्ता की तरह हनी क्वीन विक्टोरिया पूरा जाल होता है इकोनॉमी पूरा ये हो गया था. सो द क्वीन वाज रूलिंग द बिहारीज बेसिकली गेटिंग द इंडिगो एंड ऑल दिस थिंग्स डन. तो वो उसके इसके लिए हेक्सागन प्लेट्स दिखाए आप देख रहे हैं उनका जीवन दिखाया है वो. एंड देन ही ब्रेक्स दैट मधुमक्खी का जो रानी होता है उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं एंड गांधी जी विंस इट एंड देन ही इवेंचुअली विंस द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया. चंपारण नहीं होता तो शायद नहीं भी होता. वी डोंट नो इट्स यू नो हिस्ट्री बेसिकली. करेक्ट
So you can see is sub but this is also 25 sort of in length, and height is 13 feet in height. Massive size. Yeah, yeah. So we had to. And this is mounted on the plywood or on the wall? It's on concrete wall. Concrete wall. Okay. Permanent. Yeah. Permanent. Okay. So the chief secretary of Bihar and also this the principal secretary, Chanchal Kumarji and Anjini Singhji, they both had kept the wall what you call barren basically. Correct. For this for putting up the mural. Yeah. Yeah. Right. Yes, it was very thought about. But it was a prominent place until you can see this big wall right, of 40 feet right, high. Right. Right. So it was divided into three artists. Correct. I mean next. So you can see the detail of this. Can you see again this thing? Yeah. Wonderful. Detail. Yeah. Wonderful. Hexagon. Yeah. Yes. So this is again. Super. So this was the mural. There are many murals, Sandeep ji, other installation which I don't have images unfortunately right now. But I'll go to the next image of Pandit ji's, which is of his ceramic artwork and things. Correct. You know? Yeah. Can I move? Can I go to the next slide? Please. Yeah. Wonderful. Yeah. Red. Anand is doing a wonderful job of getting everything on the screen. He's doing it. So can you see Sandeep ji? Yes. Yeah. So this is Pandit ji's copper red. What he copper call it. For me, it looks very contemporary, like a balloon shape. Anyway. Yeah. So it's there in one of the collectors. His forms are always appreciated. His vases are in different forms, and such a lovely forms he has done. Great job. Yeah. And this is all done in diesel fire or gas fire? Hello? Sandeep ji, awaaz aa rahi hai? Haan, ye diesel fire hai, gas fire hai? ये कौन सा फायर का पूछ रहे हैं आप? नहीं, ये शुरू किया था एक बार उसके बाद वो उसको हमने एक पिट होल रखा था बड़ा, बाद में उसको गैस फिर छोड़ता था, रिडक्शन करता था, टेम्परेचर थोड़ा डाउन करके, तो वही भट्टी का है सर. राइट. यानी गैस भट्टी में ये सारा रिडक्शन किया हुआ है. बढ़िया, नाइस लस्टर पॉट. ये डॉक्टर राज कुबा के पास है. ये मीडियम टेम्परेचर का ग्लेज है, ये बोरे का ग्लेज है सर. ओके. 1100 के आसपास फायर किया हुआ है. ये सारे पोस्टलिन पे बने हैं या स्टोनवेयर के हैं? ये रेगुलर कलर है जी, आप जानते हैं. राइट. बढ़िया. ये थोड़ा को बताते हैं. ये कभी हमारा ज्यादा काला होगा, रिडक्शन हो जाएगा, इसको एसिड वाश किया है. ओके. इसलिए कहीं कहीं आया है अभी तक. बता दें क्या बात है. ब्यूटीफुल. हाँ, ये तो काफी प्यारा है. This looks very contemporary. ये अभी का है. अभी का काम है. ओके. ये भी अभी का काम है, स्टोनवेयर. अभय ने आपके साथ कब से सिरामिक्स में काम कब से शुरू किया? अभय ने ये वहाँ का जेजे में पास हुआ उसके बाद पांडिचेरी भेजा था, उसी समय इसका शुरुआत. वेरी गुड, वेरी गुड. हेलो. हाँ संदीप जी, आवाज आ रही है? हाँ बताइए. हाँ संदीप जी, बोल रहे थे कि वही जीजे स्कूल ऑफ आर्ट पास आउट हुए 99 में. हाँ. फिर चले गए थे पांडिचेरी 2000 में. तो 2001 में समझिए कि प्रोफेशनल मतलब पूरा करने लगे पंडित जी के साथ. ऐसे तो बचपन से कर रहे थे, बट ठीक से करने लगे वही बरसरे में करके बरस. ये भी सोडा फायर था. ओके, बहुत बढ़िया. या भाई क्या होगी, क्या बताओ? बिल्कुल क्या बिल्कुल. ये सारे ऑयल फायर्ड है क्या? ये ऑयल फायर्ड है. हाँ. ओके. हाँ, पहले ऑयल में किया, ऑयल फायर है. और ये पुराना है. ये पंडित जी का काम है.
अभय का काम है, अभय का ही काम है। ओके, पंडित जी के साथ में किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बट अगेन वही सब थोड़ा काम कर रहा है नेकेड क्ले के ऊपर। राइट 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 राइट, ओह ब्यूटीफुल। या दिस इज अगेन द सीएसकेप मुंबई से, या 2001 में वाज वर्किंग ऑन। ये अच्छा काम है अभय का, रिलीज वर्किंग देन लॉट्स ऑफ then yeah glazed by pandit ji sir and then fired, you know, oil fired kiln. Okay, yeah, oil fired mein to isko reduction control karna bahut mushkil hoga kyunki ye sare green colors jo hai control, mujhe mere paas jo hai na sab guys ka isme mujhe zyada reduction ho jata hai ki 8 burner ek batti mein hai काम करते तो बहुत साफ नहीं, लेकिन उसका एक ब्लोवर था ना तो ज्यादा साफ चलता था। ओके, हाँ हाँ जी, डीजल में ब्लोवर कंपलसरी होता है। ये है, ये स्टोन कह रही है भाई का, देखे कितना अच्छा काम, मुझे पसंद, अब नहीं करता है। चलो चलो, डांट तो पड़ गई, अब फिर से शुरू कर लेगा। वेरी गुड, ये देगा भाई का काम, मुझे पसंद है। चाइना का मट्टी है, पोर्सिलिन, उसके ऊपर ये ऊपर ग्लेज है, ये भी है। बढ़िया, ओहो, ये भी पोर्सिलिन का ही है जी। हाँ, ये पोर्सिलिन का है, ये स्टोन बेयर है। ओके, ये एक ऊपर रिडक्शन है ब्लैक के ऊपर। हाँ बिल्कुल, वाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी अभय का काम है, जब ये एक कौन सा बात है, पीटर बियर्ड आया था, जब पीटर बियर्ड, यस यस। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, अच्छा काम है। सब ये सिमरोजा में डिस्प्ले हुआ, हमने देखा था ये शो। हाँ, ये जब देखे वही बोले, बहुत बढ़िया। हाँ, अब शुरुआत किए थे, ये भी सीख रहा था कौन से, ये कागज के ऊपर ये किया था पहला। ओके, यहाँ पेपर स्मोक, ये बहुत बढ़िया, वाव, क्या बात है, बढ़िया। अच्छा, पंडित जी का है। हाँ, पंडित जी का। ओके ओके, थैंक यू, जस्ट टेल अस, या आप बताइए जब शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज वी थॉट इट इज अभय's वर्क। नो नो, आई जस्ट, बट लॉट ऑफ वर्क इज ऑल्सो इन कोलैबोरेशन वेयर पंडित जी हैज ग्लेज्ड एंड फायर्ड, यू नो। ओके ओके, yeah, so engineering is important when you work in a studio, then it becomes, you know, that you start, you know, there's like a jugalbandi many times, you don't know, yeah, each other, but yeah, so this is pandit ji, form itself can, we can make out like because this particular, yes, absolutely, you got him right, the form absolutely speaks, yeah, you know, yeah, yeah, it is right. Pandit ji, very nice. I think it does lot of acid wash also, right, so you can see this, yeah, is our, yeah, ये नहीं, ये खुशबू का काम है, कि वो उसके चलता है। क्या बात है, वो जब करती है ना, हाँ, नेकेड रखो, वो दांत खोदने वाला वो खुद रखता है ना, उससे वो ड्राइंग की है, उससे आया है। क्या बात है, वो हमसे नहीं होता है, काम देंगे लेकिन वो कैजुअल, हाँ, पेपर सुपर पेपर कैजुअल। या शी हैड गॉन टू द डेविड रॉबर्ट्स टू लर्न राखू, निकेट राखू, Homeport in UK in 2009. Wonderful. So basically, when we came back, we started doing, but we were not very sure ki aayega nahi, but then it worked out. We got the I thought Abhay, I would have done a separate series on you and Khushbu, so that itself is a journey. पंडित जी के अंडर में आपने जो सीखा और आगे आपने अपना खुद का जो स्टाइल किया है, so I would have loved to have your separate talk, but fine. Now we'll go through it. That's fine. Next step, with another images. Yes, yes, yeah, sure, sure. Yeah, because great. I've chopped down a lot of images. I've chopped down the images. I know, I can understand you. So many years people have worked, so naturally.
there will be loads of loads of work. एक ब्रिटिश लेडीज है गोरिल्ला गॉफ तो अब उनके प्रेरणा हाँ प्रेरणा मिला तो वहाँ से मैंने ये उठाया है आपको क्या बात है she must have got inspired by our Indian जो होता है ना करते हैं ना smoke का पंडित जी also like बोलते हम क्यों नहीं कर सकते then he did it's a paper smoke basically okay and we but results have any हाँ ना again this is paper smoke as it beautiful beautiful wow this is a pandit ji me and khushbu together on this collaborative work plan usne daale hai thank pata hai goal bhi ki hai this is pandit ji doing the abstract ye size kya hoga this vase is how tall is this this is I think 9 to 10 inches okay height yeah इसे बड़ा भी बना है बड़े छोटे हां बिकॉज़ आई हैव सीन देम पंडित जी इज बिगर साइज आल्सो सो आई वाज वंडरिंग बिकॉज़ स्मोक फायरिंग या ही इज मेड बिगर वंस आल्सो 18 इंचेस 15 इंचेस यस बट दिस आई रिमेंबर सीइंग द बिगर वन या बिगर वंस हैव गॉन या एंड ब्यूटीफुल दिस इज ऑन टेराकोटा हां वो इसमें खाना पूरी के लिए हां वहां का ऑरेंज कलर बहुत सुंदर आता है बहुत रिच कलर है उनका मट्टी में जान है ये स्लिप लगाए हैं वो राइट तीन वाला जो स्लिप थे ब्यूटीफुल द अदर द प्रीवियस वन वाज सॉल्ट वन ये सॉल्ट का है दिस इज सॉल्ट दिस इज सॉल्ट दिस इज सॉल्ट शुरुआत किया था उतना अच्छा नहीं आया है नहीं बहुत बढ़िया है या यू कैन मेक आउट वेरी नाइस इसको पर लगाया है ये सब खुशबू डिजाइन है सुपर हां ये थ्रोबिंग मेरा है लोग मदद किया है ओके ये आई अभय का काम ये बहुत फेमस है राजू सेठी जी को बहुत पसंद आया ओ राजू बहुत बढ़िया सो अभी हम पूछ रहे थे कि अभी आप जब आपने शुरू किया और अभी के जमाने में जो पॉटरी हो रही है आपको क्या अंतर लगता है अभी आप जो करंट पॉटरी करते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है क्या और होना चाहिए मैं बहुत टिप नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत तो बुरा लग जाएगा नहीं नहीं बिल्कुल हम आपसे सीखना चाहते तो वही आपसे आपका जो अनुभव है वही तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहां गलती हो गई समय पे पता चला तो हम आगे अच्छा कर सकेंगे वो जमाना बदल गया था वो भी बात है हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है अब एक जमाने वो सब नहीं मिलता था इसलिए पहले तो खुद ही ग्लेज बनाना ही पड़ता था ऐसा है आजकल रेडीमेड भी तैयार हो रहे पूरी दुनिया में सही बात है सही बात है तो अब जो जिनकी शौक है वो जरूर अपना सकते हैं कि ग्लेज बनाना है और पकाना तो आसान नहीं है और जैसे अजगांवकर साहब का टाइम में भी वो ग्लेज नहीं बनाते थे वो बॉम्बे पॉटरी से ग्लेज लाते थे और वो अप्लाई करके वो पूरा एग्जीबिशन वगैरह काम करते थे जाए वो या एक के बाद जी सही बात है तो अभी वही मैं दोहराना चाहते हैं कि अभी जमाना तो बहुत कॉमन हो गया ना इसके लिए अब मैं चाहते है कि जैसे खादी के कपड़ा या तो हमारे जैसे बोंजाई पॉट भी है तो मैं कभी बोंजाई पॉट में हमें जापान और चाइना का ग्लेजिंग नहीं करते मैं स्टोनवेयर का ही करते हैं और हमारा इंफ्लुएंस है इंग्लिश कलर है वो ओके तो इंडिया में बहुत पसंद करते ज्यादा यदि मैं खुर्जा जैसा एक बना दिया तो वो समझ जाता है कि ये नहीं है उसमें ब्राइट कलर नहीं चलेगा वो एकदम मिट्टी के साथ जो जुड़ेगा चलेगा वही तो अभी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता है हो सके तो खुद के हाथ से भी ग्लेज बनाना चाहिए निर्मला जी ने किए थे बिल्कुल अपना भीमू संघवी थी जमाने में मिला पंडित थी और अभी ईरा चौधरी जी जोशना भट्ट जी थे सब दरो साहब अब सब अपने ग्लेज बनाते तो वो क्या ब्लड में आ जाता है काम ये मैं बोलना चाहता हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ऐसे कुछ कुछ जो ज्यादा अनुभव है वो करना चाहिए ये मैं करना चाहिए बिल्कुल ठीक थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया कुछ वो ओके अभी अभय हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी को यदि कुछ सवाल पूछने होंगे पार्टिसिपेंट जो है जवाब देंगे जो हाँ आई विल रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस बिकॉज
as you have seen, he has started with bonsai pottery and production, but steadily he has developed his own style of work also. And keeping the whole family intact and even making them to a artist potters is a big achievement he has done. At the same time, he has worked with the murals and a lot of other things. So if you want to ask any questions regarding the production side or his creativity or creative work, please go ahead and ask the questions. Can I ask a not a very interesting question? I just wanted to know, how many kilns do they have, and do they have a separate salt kiln, or how does it work? आपके पास salt के लिए अलग से furnace है या कैसे किया है आप? एकदम अलग से plate भी है पकाने का, fluoride का, और kiln भी अलग है कि उसमें हम दोनों सॉल्ट थोड़ा करते हैं, सोडा ज्यादा करते हैं कि हमको सॉल्ट से ज्यादा धुआं वगैरह आवे ना तो कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, इसलिए मैंने ज्यादा करके सोडा करते हैं जी। ओके okay. और उसका फर्नेस ही अलग है, जो आपका रेगुलर काम चलता है वो भट्टी अलग है, और उसका दो हमारे पेट्रोली किल है, आठ बर्नल चलता है एक बार। ओके दो प्रोडक्शन किल है, उसमें कम से कम तो डेढ़ टन सामान चला जाता है एक बार। ओहो क्या बात है जी। तो दो ट्रॉली किल्न है और एक सॉल्ट किल्न है, और भी है, और भी है। अच्छा बढ़िया। There are at least six kilns there। ये एक किल मेरे पास है, खेल वाला, जो सोफिया कॉलेज से लाया था वो इलेक्ट्रिक किल था, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फिर गैस में। क्या बात। वो जरा बाहर रखे मैदान में, तो उसके अंदर कभी ऊपर जरूरत पड़ता है, जैसे राखू की है, तो उसके अंदर एक से डेढ़ घंटे में ला देते हैं 900 टन बेचे, एक घंटे में। वेरी गुड जी। तो वो करते हैं, वही किल के अंदर कभी मैं खेलता हूँ तो सेलेडोन के लिए भी ला देता हूँ, और कॉपर रेड डार वो जो फ्लेम वाला कॉपर है ना वो उसमें आ जाता, बहुत अच्छा है। क्या बात। और टेम्बो को भी उठ से मत करिए, वो लकड़े से नहीं आएगा, अब वो पकाने का तरीका लगेगा कि वुड फायरिंग है, ऐसा है। ओहो ओके जी जी जी। तो ऐसे भी किल है, और एक दो किल और है मेरे पास, जो उधर सोफिया कॉलेज से जर्मन किल था वो भी कुछ उसमें काफी कॉपर रेड किया है, बहुत जी, सिर्फ कॉपर रेड के लिए जाता है जी, मीडियम टेम्परेचर। वो गैस वाला था या इलेक्ट्रिकल में गैस इंट्रोड्यूस करते थे आप? नहीं नहीं, मेरा वही 19 किलो वाला सिलेंडर है, वही गैस बने, कमर्शियल कमर्शियल जी, कमर्शियल। और प्रोडक्शन किल्न भी अभी गैस में है कि डीजल में है? नहीं, गैस पर सब है, अब सब गैस पर। ओके हाँ, वो जा सकता है, और मैं रेगुलर कोन नंबर 6 पर करते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे जो काफी बड़े बड़े एक एक बर्तन कोई 50 किलो का रहता है, तो मैं बहुत सेमी विटिफिकेशन करते हैं, और उसके और थोड़ा सा ग्रॉक के जगह पर मैं आजकल यहाँ गुजरात मोरबी से सैनिटरी वेयर का पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या बात। तो वो हमारे सब खड़ा रहता है जी। बढ़िया। मैं जानना मैं बता देना चाहता कि अभी आजकल ग्रॉक नहीं बढ़िया मिलता है, सही खानापुर का भी ग्रॉक है, कभी कभी उनका कंकड़ वो आयरन वाला रहता है, डॉटर आ जाता है, तो ये आजकल पाउडर मिलता है, ग्रेनुलर सब कुछ मिल रहा है जी, वो मैं इसे मिलाता हूँ, तो फ्री बैंड नहीं होता, सेमी पूरा क्वालिटी भी बनता है, इतना नहीं है कि ज्यादा शिकायत आ सके जी। राइट। तो ये आप थ्रो करते हैं कि आप मोल्ड में बनाते हैं? अच्छा, बॉन्जाई पॉट्स और मोल्डिंग है, प्रेसिंग और कास्टिंग दोनों है जी। होता है। Bonsais are mostly done in the mold. I had seen Asgaonkar doing all his life in the press mold, but I think Panditji has taken it to the slip casting also. The larger pieces they do in the slip casting. Yeah. और बताइए। अभय, बहुत सारे लोग पूछ रहे कब विजिट कर सकेंगे स्टूडियो को। जरूर जरूर। हाँ जी हाँ हाँ, खुला मेरा दरवाजा। लॉकडाउन खुलने की राह देखते हैं और फिर एक बार विजिट करेंगे, क्योंकि मेरा घर भी यहीं पर है सेकंड फ्लोर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको डेमो करके कुछ दिखा भी देंगे, कोई तकलीफ नहीं। सुपर, क्या बात है, देखिए सारे पार्टिसिपेंट सब तैयार हो जाएंगे। मैं अपना हिंदुस्तानी हमको सिल गुरु मिला है, तो वो उसको छिपाने की जरूरत नहीं, मुझे उसको शिक्षा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। और एक बात आपसे करनी रह गई ये पूरे बात में, कि आपने ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट के साथ भी बहुत काम किया है, आप जरा आपका वो अनुभव क्या है वो बताइए हमें। अच्छा, ब्लाइंड बच्चे हाँ, कमला स्कूल में कहाँ पे आपने किया था वो काम? कमला
अच्छा कि कमला मेहता फॉर द ब्लाइंड है दादर में। हाँ हाँ हाँ, ये टाटा मिल है, टाटा मिल के बगल में है। राइट हाँ, हिंद माता के पास। हाँ तो वो मेरे ख्याल से वो प्यार करते हैं, कभी नहीं जाते, कुछ बोलते भी नहीं है ज्यादा। ओके, तो मेरा कम से कम वहाँ भी 35 साल हो गया अभी। ओहो, हो गया तो वहाँ हाँ, के बच्चों के लिए जो जो सेमी ब्लाइंड है वो देखकर कुछ काम करते होंगे। हाँ, सिर्फ स्पर्श करते हैं जरा, है ना। ओके, उनको ओके, कर नहीं सकते ज्यादा, लेकिन फीलिंग करते है। ओके, स्पर्श करने में उनको फील होता है और वही थोड़ा बहुत बनाते हैं, ज्यादा अच्छा तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो बात समझते हैं, लेकिन लेकिन आप जी, आप पूरे आपके व्यस्त शेड्यूल से उनके लिए टाइम निकालते, यही बहुत बड़ी बात है। भाईंदर से वहां तक पहुंचना और उनके लिए काम करना, ये काफी मेरा आत्मा बोलता है, इसलिए जाते हैं तो बहुत आनंद आता है जी। यस डेफिनेटली, थैंक यू पंडित जी, आपने आपने हाँ बताइए पंडित जी। हाँ, मैं एक चीज बताना चाह रहा था, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा मैं तो बहुत पहले, भाईंदर बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 74-75 में एक गवर्नमेंट का स्कीम था, या महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का हैंडीक्राफ्ट, तो वो मैंने 12 साल चलाया। ओ, तो उसमें से कुछ काफी सिखाया, लेकिन वो अच्छी तरह नहीं सीख पाते थे, गिफ्टी करके चल, लेकिन वो भी मैंने किया काफी। बहुत बढ़िया, रूरल को सुविधा होना चाहिए गांव का। हाँ, हिसाब से था, क्या बात है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अभी आई विल नाउ रिक्वेस्ट एवरीवन टू ओपन द वीडियो सो वी कैन सी पंडित जी, ही कैन सी अस। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन संदीप? यस यस प्लीज इंदिरा जी। या नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, मैं मिली थी बहुत साल पहले, पता नहीं, कोई बात नहीं अगर याद भी नहीं है तो। आई मेट अभय एंड खुशबू व्हेन दे हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम डेविड विजिटिंग डेविड रॉबर्ट एंड दे वर डूइंग देयर फर्स्ट नेकेड रैकू फायरिंग दैट डे when I went to their studio. So, just want to ask Abhay and Panditji, aap dono se, ki aap log jo ab kar rahe hain, usko waise hi continue karna chahte hain, ya aage kuch aur bada banana chahenge, ki teaching facility ya koi ceramic school aap banana chahenge, ya isko kaise aage badhana chahenge, jo aapko lagta hai ki bachche involved ho gaye hain, aur bahut achha kar rahe hain, aise hi continue karna chahenge. Sorry, Abhay, should I repeat that? Hello, Abhay. I think we didn't hear it. Yeah, I think so. Abhay, हाँ अभी आ रही है, बताइए। हाँ, तो ये बोलना चाह रहा था मैम को कि अभी तो काम कर रहे हम लोग, इसी फ्लो हो रहे जैसे हम लोग काम कर रहे, पंडित जी का म्यूरल वाला काम आर्ट इंस्टॉलेशन ज्यादा हो रहा है, मैं भी उसके साथ फ्लो हो रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग बढ़ गया और काम बढ़ गया, स्केल बढ़ गया, सोचे नहीं थे इतना होएगा, प्लान नहीं था। तो आई थिंक बुक्स भी पंडित जी के आगे, तो ही इज बीन गिविंग इट बैक टू सोसाइटी व्हाट ही गॉट फ्रॉम सोसाइटी मेनी इयर्स अगो, एंड आई थिंक बुक इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस मीडियम, but in the future I think people, I mean the back also in the past people have come to his studio, as Sandeep ji said, a lot of students used to come to his studio, they used to learn pottery under him, he used to not charge also to a lot of students basically. Correct. ठीक है भाई, कुछ समझ में नहीं था मतलब सुविधा, अभी तो हो गया सुविधा, so he's but he's been very modest and humble, he doesn't say a lot of students have come, no way about, you know it, you know, yeah. So सीखे बहुत, but in the future I think yes, why not the place where he made his studio, this place in Bhayandar in North Mumbai, this place called Kalaka Nivas. I mean, this could become a museum and institute basically exactly. for the future. Yeah? Yes. Yeah, but this is where he made his own, what you call, I would call it an his ceramic institute, you know, his Pandit Art Ceramic. He himself is an institution. And I mean, there are not enough words to say what you have done, Pandit ji. आपने इतना अच्छा काम किया है और इतने इतने लोगों को आपने inspiration दी है, तो कुछ कह नहीं सकते, but इतना अच्छा लगता है देख के कि आपके बच्चे, आपकी बहू और आपका पोता भी आगे उसी में कर रहा है, तो it's just commendable. It's आपको बहुत बहुत शुभकामना उसके लिए. Thank you everybody. Thank you very much. नमस्ते पंडित जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने जो आपका समय दिया और इतनी सारी जानकारी दी, और सारे रिक्वेस्ट करते हैं वैसे एक बार आपसे फोन करके हम एक विजिट करें।